अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, घुटने में सूजन भी रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कटकट की आवाज़ आती है या घुटने में दर्द बढ़ जाता है, सुबह जब सोकर उठते हैं तो घुटने का दर्द तेज रहता है या पूरे शरीर में स्टिफनेस होता है यानी अकड़न महसूस होती है, कमर में दर्द रहता हो या किसी प्रकार का भी दर्द हो, सेटिका का दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो या सर्वाइकल का दर्द हो। आज मैं आपको दो बहुत ही असरदार उपाय बताने वाली हूँ। एक उपाय आपको सुबह सुबह लेनी है, दूसरे उपाय आपको सनसेट के पहले यानी जब सूरज ढलने लगता है उसके पहले आपको ले लेनी है। नमस्कार, नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। घुटने में दर्द जब हो जाता है तो काफ़ी समस्या देने लगता है। घुटने के दर्द के लिए ऐसा उपचार मैं आज आपको बता रही हूँ जिससे बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है और वह अपने पुराने से पुराने घुटने के दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म कर पाए हैं। इसके लिए सबसे पहला उपचार मैं आपको बताऊँगी जिससे आपको मॉर्निंग स्टिफनेस में आरामी मिलेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब है कि सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो शरीर में अकड़न महसूस होता है। इसके लिए आपको लेनी है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, आधे इंच का अदरक आप ले सकते हैं, इसे हम जिंजर बोलते हैं। अदरक में जिंजरॉल होता है जो दर्द को दूर करता है, इसे आयुर्वेद में दर्द को दूर करने की दवा बोली जाती है। अदरक के सही तरीके से इस्तेमाल किस प्रकार से हमें करना है, अदरक को कूट लेना है और इसका रस निकाल लेना है। छोटे चम्मच में आधा चम्मच रस काफ़ी होता है। इसके रस को आपको एक गिलास छोटे गिलास में गुनगुना पानी ले लें और इसमें मिला दें। इसके बाद इसमें आप शहद मिलाएं, शहद छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून ही आपको मिलानी है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या रहती है तो आप शुगर फ्री शहद बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, वह लेकर आ सकते हैं। इसके लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। इसे मिलाने के बाद आपको इसे किस प्रकार से लेना है आइए बताती हूँ। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शरीर में अकड़न दर्द महसूस होने लग जाता है, तो इसके लिए आपको यह बहुत ज़्यादा लाभ देगा। इसे आपको ज़मीन पर बैठकर लेना है। अगर इस प्रकार से ज़मीन पर बैठकर आप ले सकते हैं तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ज़मीन पर बैठना मुश्किल होता है तो आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी ले सकते हैं। इसे धीरे धीरे आपको सिप सिप करके पीना है, हल्का गुनगुना ही पीना है। इसे लगातार आप लेंगे तो पूरे दिन आपके शरीर में अकड़न और दर्द थकावट की समस्या दूर होने लगेगी। अब आइए मैं आपको दूसरा उपचार बताती हूँ। दूसरे उपाय में आपको एक छोटे कप में जो फैट फ्री दूध आती है वह लेनी है। इसमें कोई फैट नहीं होनी चाहिए, फैट फ्री दूध हल्का गुनगुना ही लेना है। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं जो सामग्री वह है, उसके लिए हम लेंगे राई। राई जो होती है वह हर मर्ज की दवा होती है। राई बोला जाता है आयुर्वेद में भी और मेडिकल साइंस में भी कि यह बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए अकेला राई ही काफ़ी होती है। ये छोटे छोटे सरसों के दाने जैसी दिखती हैं और राई छोटे आकार की होती हैं। एक जो सरसों होती है वो गहरे रंग की ही होती है जो बिल्कुल राई जैसी दिखती है, लेकिन आपको राई की पहचान करनी आवश्यक है। राई थोड़े छोटे आकार की होती है। राई हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे करती हैं और ख़ासकर जिनको भी अर्थराइटिस का दर्द, जोरों का दर्द या किसी प्रकार का भी दर्द हो शरीर में तो उसको यह दूर करने का काम करती हैं। 100 ग्राम राई लेना है। इसके लिए हम एक चूर्ण बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो दूसरी सामग्री जो हम लेंगे चूर्ण के लिए वह लेंगे सौंठ। सौंठ को हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं और सौंठ यानी कि जब अदरक को सुखाने के बाद कूट कर हम इसका जो पाउडर बनाते हैं उसे हम सौंठ बोलते हैं। 100 ग्राम सौंठ लेना है।
सौंठ भी दर्द को दूर करता है जैसा कि हमने बताया, और सौंठ हमारे शरीर में सूजन को भी दूर करता है, आप सभी को पता होगा। अब तीसरी जो सामग्री हम लेंगे वह लेंगे सुरंजान सिरी। ध्यान से सुनिएगा, सुरंजान सिरी का प्रयोग किस प्रकार से करना है। सुरंजान सिरी एक ऐसी प्राकृतिक उपचार है जो पेड़ों से मिलती है, और खासकर ये हिमालय जगहों पे होती है, हिमालयों में पाए जाने वाले पेड़ों से निकाली जाती है। सुरंजान सिरी अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, इस तरह की गंभीर बीमारी जो दर्द से शरीर में देती हैं या वात के बिगड़ने से होती हैं। मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो वात के बारे में मैंने पहले बहुत बार बताया है कि शरीर में जब वात बिगड़ जाती है तो दर्द शुरू हो जाते हैं। वात के बिगड़ने से घुटने की चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है और कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो वात को दूर करने के लिए सुरंजान सिरी का प्रयोग बहुत ही अच्छा कारगर माना जाता है। जोर में हड्डी में किसी प्रकार की अगर दर्द है, हड्डियों से जुड़ी कोई भी बीमारी अगर है आपको, तो सुरंजान आपको फायदा करेगी। यहाँ तक कि जिनको कब्ज की समस्या हो जाती है तो उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। पेट को साफ कर देता है जिससे गैस अफारे नहीं बनते हैं और हमारे शरीर से ज़्यादा वायु जो उत्पन्न हो रही है, वायु जो हो रही है वह दूर हो जाती है। लेकिन सुरंजान सिरी का पहचान बहुत ही आवश्यक है। सुरंजान सिरी दो तरह के आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुरंजान सिरी एक मीठी आती है और एक हल्की कड़वी आती है। कड़वी जो होती है वो हल्के गहरे रंग की होती है, और सुरंजान मीठी जो होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। आप पानसारी की दुकान से भी इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं किसी अच्छे कंपनी का। मैं शेयर कर दूंगी लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सुरंजान सिरी आपको मीठी वाली लेनी है। कड़वी वाली जो सुरंजान सिरी होती है यह वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। लेकिन इसकी मात्रा बहुत आवश्यक होती है। थोड़ा भी मात्रा में उलटफेर होने की वजह से यह नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए मीठी सुरंजान सिरी आपको लेनी है, या मैं जो आपको औषधि बना रही हूँ बता रही हूँ, या 15 दिनों के लिए ही सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, इतने में ही आपको फ़ायदा दिखने लगेंगे। सुरंजान सिरी मीठी वाली लेकर आ जाएं, और इसे भी कूटकर, आपको इसका तीनों ही सामग्री को कूटकर चूर्ण बनानी है। सुरंजान सिरी आपको 100 ग्राम ही लेनी है। तीनों ही सामग्री जो हमने बताया वो 100-100 ग्राम आपको लेनी है। कूटकर इसका चूर्ण बना लें और एक डब्बे में आपको इसे रख लेना है, शीशे के जार में रखें ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करनी है आइए बताती हूँ। हमने जो 1 कप गुनगुना दूध लिया है जो फैट फ्री है, उसमें आपको यह प्रयोग करनी है। इसकी मात्रा के लिए आपको बता दूँ कि जिनके भी शरीर का वजन 50 किलो से कम है उनके लिए यह 4 ग्राम सुरंजान सिरी आपको लेनी है। एक छोटे चम्मच में 5 ग्राम यह आ जाती है, तो इसके अनुसार एक छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम आपको यह प्रयोग करनी है। दूसरी जो मैं बता देती हूँ, यानी जो 50 केजी से ज़्यादा, यानी 60 केजी इस तरह का वजन है से लेकर 75 केजी तक के वजन वाले लोग इसे कितनी मात्रा में लेंगे, तो वो इसे 6 ग्राम तक ले सकते हैं। एक छोटी चम्मच 5 ग्राम की होती है, तो थोड़ा सा छोटे चम्मच से 1 ग्राम ज़्यादा आपको एक चुटकी और मिला देनी है। अब जिनका वजन 75 केजी से ज़्यादा है, जो ओवरवेट लोग हैं, वो लोग इसे 7-7.5 ग्राम तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको एक दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करनी होती है। अब इसे कैसे लेना है, इसे आपको गुनगुने दूध में मिला देनी है जो चूर्ण हमने तैयार किया है, और उसके बाद इसे आपको कब लेनी है, तो शाम के वक्त जब सनलाइट हो, सूर्यास्त नहीं हुआ हो, यानी सनसेट के पहले आपको ले लेनी है। 4 बजे से लेकर 4:30 का जो वक्त होता है बहुत अच्छा है। उस वक्त में आपको इसे गुनगुने दूध में मिलाकर और धीरे धीरे बैठकर सिप सिप करके इसे पी लेना है। लगातार 15 दिन इसे लेकर देखिए, आपकी किसी भी प्रकार का दर्द हो, नसों में ब्लॉकेज हो, सभी कुछ में यह आराम करेगा। वात की जितनी भी बीमारियां हैं सभी में यह बहुत अच्छा असर करती है। जोरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, हड्डियों से जुड़ी हर बीमारी
घुटने की परेशानी, सभी कुछ मेरा फायदेमंद है। अब अगली चीज़ मैं आपको जो बता देती हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वह है कि आपको क्या नहीं खानी चाहिए। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वह जो भी चीज़ें वात उत्पन्न करती हों शरीर में, यानी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आप खाते हैं जैसे कि राजमा, कुछ लोगों में चना, इस तरह की चीज़ें अगर जो भारी चीज़ होती हैं वह खा लेते हैं तो उनके शरीर में गैस उत्पन्न होने लगती है, बहुत ज़्यादा डकार आने लगता है, गैस बनने लगता है। तो आपको यह खुद ही देखने होंगे क्योंकि हर व्यक्ति के लिए यह वात बनाने वाली चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ व्यक्तियों में राजमा खाने से हो जाता है, गैस बनने लगती हैं, और कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाने से हो जाती हैं। तो आप खुद ही देखें कि आप कौन सी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे आपके शरीर में वात बन रही है, यानी गैस एसिडिटी बना रही है। तो वैसी चीज़ों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, नहीं खानी है। क्योंकि अगर आप दवाई के साथ साथ जो हमने उपचार बताया उसके साथ साथ अगर वायु बनाने वाली चीज़ें आप खाएंगे तो आपको इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने खाने से उन सारी ही चीज़ों को हटा देनी है। बहुत लोगों को पनीर दूध से भी होती है, तो अगर दूध से आपको परेशानी है तो जैसा हमने बताया फैट फ्री दूध आप ले सकते हैं जिसमें क्रीम ना हो, दूध ना हो, फैट ना हो, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। या फिर आलमंड का या बादाम का दूध आता है, बादाम का दूध आप में भी मिलाकर इसे ले सकते हैं। या फिर कोकोनट यानी नारियल का दूध आता है, उससे भी ले सकते हैं, इससे भी आपको यह परेशानी दूर होगी। तो आज की जानकारी इतनी तक ही थी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो मुझे अवश्य ही लिखकर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि जो सुरंजान तीखी वाली होती है, कड़वी वाली होती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो मुझे लिखकर अवश्य ही बताएं। आप यह ज़रूर से बताइएगा आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो मुझे अवश्य ही लिखकर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।